bounds. नमस्ते, वेलकम टू ETC ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल। देखिए बच्चों, फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जो बात करता है एक ऐसे एक्शन के बारे में जो एक्शन अब से बाद में होने वाला है, यानी अब के बाद आने वाले टाइम में, वो होता है फ्यूचर टेंस। यहाँ पे सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन फ्यूचर की ये होती है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, दैट इज विल शैल। लेकिन फ्यूचर पे मूव करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में सिमिलैरिटीज। तो देखिए, इससे पहले कि हम लोग फ्यूचर सेंटेंस लिखें, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। आई ईट एन एप्पल, और एक और सेंटेंस में लिखता हूँ आई शैल ईट एन एप्पल। मैंने यहाँ बोर्ड पे दो सेंटेंस लिखे हैं, आई ईट एन एप्पल और दूसरा है आई शैल ईट एन एप्पल। अब इन दोनों सेंटेंस में सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं। बच्चों, जो ऊपर वाला सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल, ये सेंटेंस है प्रेजेंट, और नीचे वाला जो सेंटेंस है आई शैल ईट एन एप्पल, ये है फ्यूचर। ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस। अब सिमिलैरिटीज देखते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एन ऑब्जेक्ट। सिमिलैरिटीज अगर हम देखें तो सब्जेक्ट कॉमन है, मेन वर्ब कॉमन है और ऑब्जेक्ट भी कॉमन है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है शैल का। तो देखिए, ये सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ, ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट। अगर इसी सेंटेंस में मैं यहाँ पे शैल लगा देता हूँ, आई शैल ईट एन एप्पल, तो यही प्रेजेंट का सेंटेंस फ्यूचर बन जाएगा। आई शैल ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाऊंगा। सेम वेज नीचे वाला सेंटेंस है आई शैल ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाऊंगा। इस फ्यूचर के सेंटेंस से, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, इसमें से अगर मैं शैल को रिमूव कर देता हूँ, सेंटेंस बनेगा आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ। यही फ्यूचर का स्टेटमेंट प्रेजेंट का बन जाएगा। तो मीन्स इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों टेंस फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब का। किसी भी प्रेजेंट के सेंटेंस में अगर हम विल शैल ऐड कर देते हैं तो वो प्रेजेंट का स्टेटमेंट बन जाता है फ्यूचर। सेम वेज किसी भी फ्यूचर में से अगर हम विल शैल रिमूव कर देते हैं तो वो फ्यूचर स्टेटमेंट बन जाता है प्रेजेंट। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब विल शैल लगा दो, फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर में से हेल्पिंग वर्ब विल शैल हटा दो तो वो प्रेजेंट का बन जाता है। तो बच्चों, अभी हम लोग फ्यूचर सिंपल पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट पूरा का पूरा वो होगा जो प्रेजेंट सिंपल का था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा आ जाएगा और वो हेल्पिंग वर्ब होगा विल और शैल। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर का फॉर्मेट। तो जैसा मैंने बताया कि फ्यूचर में बाय डिफॉल्ट एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इज विल एंड शैल। बच्चों, ये जो विल शैल होता है ये मॉडल्स भी होते हैं, और मॉडल्स के बाद में कोई भी अगर वर्ब आ जाता है वो हमेशा बेस फॉर्म में आता है, एंड द बेस फॉर्म इज V1 विदाउट S और ES। बेस फॉर्म के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप लोग प्रेजेंट सिंपल का वीडियो देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे I बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में बेसिक फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक फॉर्मेट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जब हमने बात की है फ्यूचर की तो जिस भी टेंस की बात करते हैं उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आता है मेन वर्ब से पहले। तो यानी यहाँ पे मेन वर्ब से पहले हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का, दैट इज विल एंड शैल। और विल शैल मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है, हर हेल्पिंग वर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब को इफेक्ट करता है। विल शैल क्योंकि मॉडल्स भी होते हैं इसलिए इसके बाद में आने वाला वर्ब बेस फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म होता है V1 विदाउट S और ES। और बच्चों, ये जो सेंटेंस है, फॉर्मेट है, ये बन जाता है अफर्मेटिव फॉर्मेट, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा
आई शैल प्ले चेस, आई शैल प्ले चेस, मैं चेस खेलूँगा। सेम वेज अगर यहाँ पे मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूँ, थर्ड पर्सन लगाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा विल, ही विल प्ले चेस, वह चेस खेलेगा। और ये जो सेंटेंस है ये बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए बच्चों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस तो बन ही गया है, ये तो एकदम क्लियर है, बट यहाँ पे एक जगह हमने शैल यूज़ किया है, एक जगह विल यूज़ किया है। कहाँ शैल आता है और कहाँ विल आता है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम फ्यूचर रेफरेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन दैट इज आई और वी के साथ वी ऑलवेज यूज शैल, एंड विद अदर्स वी यूज विल। सिर्फ आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ हम लोग विल यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मॉडल्स का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ आई और वी के साथ शैल और अदर्स के साथ विल की, तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। मॉडल्स में हम किसी के साथ भी शैल यूज़ कर सकते हैं, किसी के साथ भी विल यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन में। अगर आप लोगों को इसे भी डिटेल में देखना है तो उसका भी मैंने मॉडल्स का एक वीडियो बना रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी फ्यूचर के लिए सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन आ गया, आई और वी आ गया, तो शैल यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ यू ही शी इट दे कोई भी आ जाए, सबके साथ हम लोग विल यूज़ करेंगे। अब जनरली क्या होता है, ये अगर हम याद रख ले तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ईजी भी है याद रखना, बट कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, और कन्फ्यूज़न ये होता है कि याद तो करके गए हैं लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाते हैं कि यार आई और वी के साथ शैल आएगा या फिर विल आएगा। सेम वेज ही के साथ शी के साथ विल आएगा शैल आएगा। तो बच्चों, इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए या फिर इस कन्फ्यूज़न का एक तरीका है हमारे पास, और वो तरीका क्या है, देखिए इन दोनों की जो शॉर्ट फॉर्म होती है विल और शैल की, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं अपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा के डबल एल, क्योंकि इन दोनों के लास्ट में डबल एल आ रहा है, शैल और विल, तो इनको हम नाउन या प्रोनाउन के साथ ऐड करते हैं और फिर डबल एल हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं देखकर बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, एल प्ले चेस, सेम वेज ही विल प्ले चेस। तो बच्चों, ये जो दोनों सेंटेंस मैंने लिखे, इन दोनों में एक्चुअली मैंने क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, क्योंकि शैल की शॉर्ट फॉर्म भी डबल एल होती है, विल की शॉर्ट फॉर्म भी डबल एल होती है। तो अभी सेंटेंस में हमें पता नहीं चल रहा है बच्चों कि यहाँ पे मैंने आई के साथ शैल यूज़ किया है, विल यूज़ किया है, ही के साथ विल यूज़ किया है या शैल यूज़ किया है, पता नहीं चल रहा। तो एग्जामिनर यहाँ पे हमारे नंबर नहीं काट सकते। अब ये जो बच्चों मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका हमें तब अडॉप्ट करना है जब हम कन्फ्यूज्ड हो जाए, यानी जब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हो। इस तरीके को प्यार से हम बोल सकते हैं जुगाड़, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मेक शिफ्ट। चलिए बच्चों, एक नया वर्ड भी हमारे सामने है, जुगाड़ को इंग्लिश में हम लोग मेक शिफ्ट बोलते हैं। तो ये जुगाड़ है, और जुगाड़ हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई और सीधा तरीका नहीं बचा हो। तो इस तरीके को यूज़ हमें करना है एकदम एंड में, अगर कोई तरीका नहीं बचा है, अदरवाइज इस तरीके को अवॉइड करना सिंपली, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म रिटन इंग्लिश में अच्छी नहीं मानी जाती, कंसिडर नहीं की जाती है। तो ये तरीका तब यूज़ करना है जब कोई रास्ता नहीं बचा हो, अदरवाइज इसे यूज़ नहीं करना। तो इसे भी आप लोग लिख लीजिए, साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टार मार्क भी लगा देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। अब इसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, अफर्मेटिव के बाद में हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड एज वी ऑल नो दैट टू इंटरोगेट अ सेंटेंस वी जस्ट हैव टू पुट द वेरी सिंपल फॉर्मेट, दैट इज We have to put the helping verb before the subject. That's it. Helping verb यहाँ पे will shall है, और subject उसके बाद में रख देंगे। सो बच्चों देखिए, जैसे ही हमने subject से पहले helping verb रखा, यहाँ पे last में एक question mark आ गया, और interrogate करने के लिए question mark ही compulsory होता है। Rest of the format will remain the same. Plus V1 plus object. So sentence है I shall play chess, इसी को चेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा shall I play chess,
आई शैल प्ले चेस बन गया, शैल आई प्ले चेस मीन्स क्या मैं चेस खेलूँगा। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव भी तो हम बना सकते हैं, और निगेटिव में हमें पता है जब निगेटिव बनाएंगे तो एक वर्ड हमें लगाना पड़ेगा, दैट इज नॉट। और ये नॉट की भी स्पेसिफिकेशन है कि ये हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। तो फॉर्मेट ओरिजिनल रहेगा जो अफर्मेटिव में हमने यूज किया है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। अब विल शैल क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ ही हम लोग नॉट लगाएंगे। जैसे ही बच्चों ये नॉट पेयर हुआ विल शैल के साथ में, सेंटेंस नेगेटिव बन गया, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस ही विल प्ले चेस है, इसे कन्वर्ट करते हैं। इस बार सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल नॉट प्ले चेस, ही विल नॉट प्ले चेस, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब ऑलरेडी नेगेटिव तो है ये सेंटेंस, इसी ऑलरेडी नेगेटिव बने हुए सेंटेंस को हमें इंटरोगेट करना है। सिर्फ नेगेटिव ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया, इसी को इंटरोगेट करेंगे। और इंटरोगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, विल शैल आ गया इधर और सब्जेक्ट आ गया इधर, दोनों की पोजीशन हमने चेंज कर दिया, दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया है। जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ अब विल शैल है, जहाँ विल शैल था वहाँ अब सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मीन्स। प्लस नेगेटिव बनाना है तो नॉट ऊपर भी था और नीचे भी आएगा, प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना भी कंपलसरी है। तो सेंटेंस इसी को चेंज कर लेते हैं, ही विल नॉट प्ले चेस, ये बन जाएगा विल ही नॉट प्ले चेस, विल ही नॉट प्ले चेस, क्या वो चेस नहीं खेलेगा। तो बच्चों ये बन गया फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस भी कंप्लीट। आप लोग इसे लिख लीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो डाउट आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ट्राई करूंगा मैं सारे डाउट्स के आंसर देने की। बच्चों आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो बने रहिए ITC ऑनलाइन के साथ इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।